एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ ठीक हैं। तो फ्रेंड, आज मैं आई हुई हूँ अपनी अम्मी की तरफ। ये देखिए मैं हूँ, क्योंकि अम्मी लोगों को जाना था कहीं, तो दावत में जाना था किसी फंक्शन में, तो मैं यहाँ पर रुकी हुई हूँ उनके यहाँ आकर। और बच्चे जो हैं यहाँ पर, ये देखिए ये मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और होमवर्क कर दिया है इन्होंने, तो यहाँ पर ये देखिए इनकी शरारतें चालू हैं। और वहाँ पर काम पड़ा हुआ है किचन में। अब मैं जा रही हूँ डिनर की प्रिपरेशन करने, क्योंकि लगभग 6 बज चुके हैं और खाना वगैरह जल्दी ही खाएंगे हम, जल्दी खाकर जो है वो फ्री हो जाएंगे। तो जल्दी फटाफट जाकर मैं आज बनाऊँगी कीमा आलू, और कोशिश करूँगी उसकी रेसिपी थोड़ी बहुत आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई ट्राईपॉड वगैरह या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लेकर आई। फाइनली जो है वो बारिश हो चुकी है और मौसम बहुत ही अच्छा है, बड़ा ही खूबसूरत मौसम है। तो आइए आपके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पर अम्मी की तरफ जो है बड़े खूबसूरत से पेड़ पौधे लगे हुए हैं, आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए आपके साथ आपको दिखाती हूँ और शेयर करती हूँ। तो यहाँ ये देखिए बारिश हुई थी और मौसम जो है बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत मौसम है। और यहाँ पर ग्रीनरी है सारी, सब तरफ प्लांट्स लगा रखे हैं अम्मी ने। ये देखिए ये सदाबहार का प्लांट कहा जाता है, सदाबहार का प्लांट है। और यहाँ पर रोजेज हैं, और ये देखिए ये बेला का प्लांट है, हमारे यहाँ इसे बेला कहा जाता है। बताइएगा आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है? बड़ी अच्छी खुशबू आती है, रात में बहुत महकता है ये। की तरफ इसे कौन सा प्लांट कहा जाता है? कुछ लोग इसे रात की रानी बोलते हैं, मगर ये रात की रानी नहीं है, ये बेला है, बेला का प्लांट है, बेला के फ्लावर्स हैं। ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें, जब ये महकता है तो, जब इसमें इसका सीज़न होता है ना, फ्लावर्स पूरे इसके पूरे मतलब कवर हो जाते हैं, फ्लावर्स बड़े खूबसूरत लगते हैं। और यहाँ पर ये तो आपके साथ मैं शेयर पहले भी कर चुकी हूँ। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है पुदीना, बहुत हेल्दी भी होता है। और ये पता नहीं किस चीज़ का प्लांट है, मैं नहीं जानती हूँ, बताइएगा अगर आपको पता है तो ये किस चीज़ का प्लांट है। आई डोंट नो किस चीज़ का प्लांट है, पता नहीं। ये इस तरीके के फ्लावर्स, पता नहीं ये फ्लावर्स हैं क्या है, पत्तियां हैं इसकी, मगर देखने में अच्छा लगता है ये। और ये है मनी प्लांट्स, ये देखिए कितना घना हो रहा है, मगर इसकी पत्तियां भी सूख रही हैं क्योंकि बारिश नहीं हुई थी हमारी तरफ, तो इस वजह से। ये देखें अगर अब बारिश हो गई है तो फ्लावर्स भी, अब प्लांट्स भी खुश हैं इंसानों की तरह। ये कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता का प्लांट है यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके के ये फूल आते हैं, ये फल है इसका कड़ी पत्ता का, इस तरीके के फ्रूट आते हैं इसमें, ये भी कड़वे ही होते होंगे मेरे ख्याल से। और ये है तुलसी, बहुत लोग जानते होंगे इसे, तुलसी का पौधा है ये। ये भी डिटॉक्स ड्रिंक में बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, अगर आप डिटॉक्स ड्रिंक बनाते हैं तो इसे यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने आपको प्लांट्स वगैरह दिखाए, बताइएगा कैसे लगे आपको प्लांट्स। और हमारी तरफ बारिश हो गई है, बताइएगा आपकी तरफ बारिश हुई है या नहीं हुई है। और मौसम बहुत चेंज हो गया है हमारी तरफ, बड़ी गर्मी हो रही थी, बड़ा सुकून है माशाल्लाह से, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बारिश हो गई है और मौसम भी बहुत चेंज हो गया। और बच्चों की देखी शरारतें, कहीं चूकते नहीं है ये बच्चे, बस शैतानियाँ करने को मिलनी चाहिए। और फ्रेंड यहाँ पर मैं प्याज कट कर रही हूँ कीमा प्याज बनाने के लिए, क्योंकि कुकिंग आज मुझे ही करना है। तो कीमा मैंने वॉश करके रख दिया है। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं प्याज कट कर रही हूँ, और घर से कोई ट्राईपॉड वगैरह कुछ नहीं लेकर आई थी, तो बड़ी जुगाड़ करके वीडियो बनानी पड़ रही है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के बटन के साथ। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। कीमा आलू में जो है वो हरी मिर्चें डाली जाती हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें डालूंगी, थोड़ी डालूंगी। सो फ्रेंड यहाँ पर मैं कुकर में बनाऊंगी कीमा
प्याज कीमा जो है वो कुकर में बनाऊंगी। एक आलू डालूंगी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो है वो आलू मांगते हैं। 3 से 4 बड़ी गांठें प्याज के लिए ली हैं। लगभग 1 किलो के लगभग जो है वो कीमा था। हरी मिर्चें हैं यहाँ पर, हरी मिर्चें आपको दिखाई नहीं थी, मैंने 3-4 हरी मिर्चें ली थी, 4-5 मोटे साइज की थी, बड़े साइज की, और पता नहीं तीखी है या नहीं ये नहीं पता मुझे, मगर देखते हैं। पाउडर मसाले भी चाहेंगे। वैसे मैं इसमें जो है लहसुन कुचल के डालती हूँ। लहसुन और ज्यादा अदरक ये जाएगा है। वो ऑयल रख लिया है मैंने, लगभग 1 कप ऑयल डाला है। तो पहले मैं यहाँ पर प्याज डालूंगी। प्याज डालूंगी, इसमें खड़े मसाले मैं नहीं डाल रही हूँ। आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं खड़े मसाले, मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। पिसा हुआ लास्ट में, लास्ट में पिसा हुआ गरम मसाला मैं डालूंगी, क्योंकि बच्चे खाते हैं तो फिर वो खड़े मसाले जो है वो मुंह में आते हैं। वैसे टेस्ट अच्छा होता है, अगर आप चाहें तो स्टार्टिंग में खड़े मसाले डाल नहीं, सकते ये हैं। दोनों तो चीज़ें चीज़ें जो है वो फ्राई हो जाएंगी ऑयल में। तो फ्रेंड प्याज बढ़िया से सॉटे हो चुकी है, ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, गोल्डन ब्राउन हमें नहीं करना है। अब इसमें जो कीमा हमने वॉश करके रखा हुआ है बढ़िया से, बस वो कीमा डाल देंगे हम। तो वो प्याज और हरी मिर्ची के साथ मिक्स कर लेंगे, लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच भर के अदरक का पेस्ट, और कीमे के साथ अदरक लहसुन को अच्छी तरीके से हमें मिलाना है, मिक्स करना है, इसे अच्छी तरीके से फ्राई करना है, जिससे अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए। इसे मिक्स हो चुका है और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है कीमे में, और ये देखिए कीमा हल्का हल्का सा जो है वो पानी भी छोड़ने लगा है। तो अब इसमें 1 चम्मच भर के मैं डाल रही हूँ मिर्च, रेड चिली पाउडर भर के, कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी जाएगी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक जाएगा इसमें। अब मसाले को अच्छी तरीके से भून कर और इसमें विजल लगा लेंगे, जब तक कीमा अच्छी तरीके से पक नहीं जाता। अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है, अब कीमे की भुनाई करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसमें विजल लगा लेंगे, और कीमे को अच्छी तरीके से गलाना भी है हमें और इसकी भुनाई भी करनी है। तो किसी भी सब्जी के अच्छे टेस्ट के लिए उसकी भुनाई बहुत ज़रूरी है, अच्छी तरीके से भूनना चाहिए और भुन भी जाएगा अच्छी तरीके से। तो फ्रेंड यहाँ पर बर्तन पड़े हुए हैं, तो चलिए बर्तन वॉश कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर बर्तन वॉश हो चुके हैं, ये देखिए, और कीमा भी भुन गया है। तो जब तक इसकी जो है वो भाप निकलती है, फिर मैं लिड खोलती हूँ। और यहाँ पर हो रहा है नाश्ता। कितना टाइम है? 7:30 बजे का नाश्ता, डिनर से पहले का नाश्ता हो रहा है। फ्रेंड कीमा अच्छी तरीके से ये देखिए भुन चुका है और ऑयल भी रिलीज हो गया है कीमे में से, ये देखिए। इसमें कसूरी मेथी डालूंगी थोड़ी सी, उसका टेस्ट अच्छा आता है कीमे में कसूरी मेथी का। और इसी पानी पे मैं डाल दूंगी आलू, आलू कट करके रखे हैं, 2 आलू बड़े साइज से कट करके रखे थे मैंने। बन के तैयार है, ये देखिए मैंने 2 आलू कट करके डाल दिए थे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को हर सब्जी में आलू चाहिए। मेरे बच्चे बहुत शौक से आलू खाते हैं, बताइएगा आपके बच्चे आलू खाते हैं नहीं खाते हैं। और यहाँ पर ये देखिए रोटी भी मैंने बना ली है, और यहाँ रोटी भी मैंने बना ली है। सो फ्रेंड मैं अपनी वीडियो का एंड बस यही करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइकन के बटन के साथ। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अपना खूब ख्याल रखिए, दुआ में याद रखें।
अल्लाह हाफिज़।